जनरेशन गैप समझ में आ सकता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, जगह का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को खाने के लिए रोटी नहीं दे, वो बात आज से 13 साल पहले भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है। एक बुजुर्ग मेरी क्लिनिक में आया और उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई साथ में नहीं रखता है। तो मैंने अंकल को बोला कि कल से मेरे घर से आपको टिफिन आएगा। धीरे धीरे ये बात मेरी समझ में आई कि ये समस्या जो है वो छोटी नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक श्रवण टिफिन सेवा शुरू करूँ इन लोगों के लिए। 13 साल पहले मैंने शुरू किया था, तब 11 लोगों को टिफिन के साथ में मैंने शुरू किया था। आज मैं 235 बुजुर्गों तक पहुँचा हूँ। ये जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी माँ बाप हैं, वो शारीरिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी बीमार है और आर्थिक रूप से भी। हर दिन हमारी जर्नी सुबह 6:30 बजे शुरू होती है फ्रेश वेजिटेबल कटिंग के साथ में, और फिर खाना पकता है, और खाना पकने के बाद में वो खाना मैं खुद टेस्ट करता हूँ, उसके बाद में ही फिर टेम्पो में लोड होता है। रोज मैं इन लोगों को मिलता हूँ जाके। ये लोग बहुत बुरी पोजीशन में रह रहे हैं, घर भी इतना गंदी जगह पे है, कोई गंदी खोली में रह रहा है, ऊपर से रात को कुछ भी छत वगैरह गिरने का ये रहता है। अभी रिसेंटली मैंने उन लोगों के लिए 25,000 स्क्वायर फीट की जगह भाईंदर से 8 किलोमीटर दूर उत्तन है वहाँ ली है, और सोच रहा हूँ कि इन लोगों के लिए भव्य एक आवाज, मैं उसको ना तो वृद्धाश्रम बोलूँगा और ना ही ओल्ड एज होम बोलूँगा, क्योंकि ये एक मंदिर है और ये मैं माँ बाप का मंदिर बनाने जा रहा हूँ। हम लोग 235 लोगों तक पहुँच पाए हैं, और भी 70-80 नाम कुछ वेटिंग लिस्ट में है मेरे पास, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के हिसाब से हम ये माँ बाप तक नहीं पहुँच पाते हैं। और ये जो भूखे माँ बाप, निसहाय, असहाय और लाचार माँ बाप है, उनकी सेवा करने के लिए आप सब लोग आगे आइए, डोनेट कार्ड के जरिए सहायता का हाथ बढ़ाइए, यही मेरी प्रार्थना है।